तो भाई वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्लॉग एंड अनदर कार, जहाँ BS6 फेज 2 की सारी गाड़ियाँ आ रही है वहीं MG की एस्टर भी आ चुकी है। ये जो आप देख रहे हैं ये शार्प वेरिएंट है, CVT में डुअल टोन वेरिएंट है। ये बॉडी कलर व्हाइट मिलेगी और इसकी जो रूफ है वो स्टेरी ब्लैक मिलेगी आपको। अलॉय व्हील्स वगैरह मिल जाते हैं। गाड़ी में अपडेशन क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, ये क्रेटा सेल्टोस की सेगमेंट की गाड़ी है। और इसके एक्सशोरूम की बात करूँ तो ये आपको 15,08,000 एक्सशोरूम प्राइस आते हैं इसके, बाकी स्टेट वाइज वेरी करते हैं। ये मैं प्राइस आपको डेली के बता रहा हूँ। और गाड़ी में फीचर्स क्या क्या अपडेट होते हैं, क्या क्या हमें कंपनी देती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ हमें ऑटो वाइपर्स मिल जाते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाएंगे विद 2 वॉशर। यहाँ पर कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा, यहाँ पर MG का लोगो। ग्रिल आपको इंसर्ट ब्लैक और अपर पार्ट गार्निश देखने के लिए मिलेगा MG का लोगो। फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, लोअर ग्रिल मैट में मिलेगी, सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाएगी। और जो ग्रिल है इसकी रेडिएटर, इसके सराउंडिंग आपको सिल्वर भी देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरह से। हेडलैम्प यूनिट मिलेगी आपको, DRL काफ़ी अच्छे शार्प पॉइंट्स में मिलेंगे इस तरीके से, जैसे देख रहे हैं नीचे भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि यहाँ तो DRL मिलेगा ही मिलेगा, यही आपका इंडिकेटर में वर्क करेगा। LED बेस इसमें हेडलैम्प मिलेंगे हमें, प्रोजेक्टर मिलेगा, LED बेस प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे। लो बीम हाई बीम के लिए सिंगल प्रोजेक्टर है, नीचे हाइलोजन बेस फॉग लैंप्स मिलेंगे। अब आ जाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे, तो प्लेन फेंडर मिलेगा, 5-spoke में अलॉय व्हील्स मिलेंगे डुअल टोन में। टायर सेक्शन की बात करें तो टायर सेक्शन हमें इसमें मिल जाता है 215/55/17 का। फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेंगे और क्लैडिंग का पार्ट गाड़ी के सराउंडिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑटो एडजस्टेबल रिएक्टेबल ORVMs मिलेंगे विद इंडिकेटर। यहाँ 360 डिग्री व्यू के लिए कैमरा चारों वहाँ ORVM पे भी मिलेगा, फ्रंट में भी और एक रियर में, वो भी दिखाऊंगा। 4 कैमरे मिलते हैं हमें 360 डिग्री पे। यहाँ पे फ्रंट जो ए पिलर है ये ग्लोसी ब्लैक में मिलेगा, स्टेरी ब्लैक जो रूफ का कलर है, सिल्वर रूफ रेल्स इस तरह से। यहाँ पे हमें सनरूफ मिलेगा, पीछे आपका शार्क फिन एंटीना, और जो बी पिलर है वो मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ बीडिंग मिलेगी हमें गार्निश की, क्वार्टर पैनल तक देखने के लिए। जो डोर हैंडल्स हैं सेम बॉडी कलर, और अपर पार्ट आपको गार्निश देखने के लिए मिलेगा। रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, और डोर्स पे भी नीचे आपको सिल्वर और क्लैडिंग का ब्लैक पार्ट देखने के लिए मिलेगा। ब्लैक रनिंग बोर्ड जैसे बताया मैंने, सेम बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे, अपर पार्ट आपको गार्निश मिलेगा। फ्यूल टैंक की जगह रेयर भी डिस्क मिलेंगे, फ्रंट और रेयर चारों में डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं। क्वार्टर पैनल पे छोटा सा ग्लास मिल जाता है एक यहाँ पे, और बीडिंग यहाँ तक मिलेगी आपको गार्निश की। और ये पार्ट कुछ अलग तरीके से, रूफ का ब्लैक यहाँ से अलग से बॉटम पे कुछ कट किया हुआ है इन्होंने, बॉडी शेप के अकॉर्डिंग जो डोर्स हैं विंडो डोर्स हैं उसके हिसाब से सेट किया हुआ है। अब आ जाते हैं गाड़ी के रेयर लुक पे, तो कुछ LED बेस्ड टेल लैंप्स मिलेंगे इस तरीके से, यहाँ भी आपके पॉइंट्स वर्क करेंगे। यहाँ इंडिकेटर, नीचे स्टॉप, बीच में स्टॉप लैंप है, यहाँ पे इंडिकेटर, ये बैक लाइट। नीचे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं, एस्ट्रा की ब्रांडिंग, यहाँ पे ZS वेरिएंट है ये, MG की मार्किंग, रेयर डिफॉगर, रेयर वाइपर, हाई मार्टर स्टॉप लैम्प, स्पॉइलर। यहाँ पे भी ना आपको सिल्वर स्किड प्लेट मिलेगी, और जो रेयर बम्पर है इसमें 2 रिफ्लेक्टर, और जो लोअर पार्ट है वहाँ आपको गार्निश का ट्रीटमेंट भी देखने के लिए मिलेगा। नंबर प्लेट की जगह रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ मिलेगा आपका, टोटल 4 कैमरे मिल जाते हैं जैसे बताया मैंने 360 डिग्री व्यू के लिए। अब आ जाते हैं को ड्राइवर साइड पे, तो यहाँ भी आप गाड़ी देख सकते हैं को ड्राइवर साइड से भी, को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। ORVM में यहाँ भी आपको 360 डिग्री के लिए कैमरा मिलेगा। तो ये तो हो चुका गाड़ी का एक्सटीरियर, अब चलते हैं गाड़ी का इंटीरियर। इंटीरियर में तो कुछ इस तरह की मिल जाएगी हमें, MG का लोगो, यहाँ कुछ रेड ट्रीटमेंट मिल जाता है, यहाँ लॉक अनलॉक करिए बूट गेट अनलॉक करने के लिए, बीच बीच में गार्निश की बीडिंग भी छोटी छोटी देखने के लिए मिल जाती है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, जैसे मैंने बताया ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर है, को ड्राइवर साइड भी। जैसे ही हम डोर ओपन करते हैं तो यहाँ पूरा कुछ इस तरह से ब्लैक और वेज कलर में हमें इसका इंटीरियर देखने के लिए मिलेगा, ब्लैक और वेज कलर के अंदर। स्टार्ट करेंगे हम ड्राइवर डोर पैनल से, तो यहाँ ट्विटर वगैरह की प्लेसमेंट तो हमें नहीं मिलती, बाकी डोर ओपनर आपको मैट गार्निश में मिल जाएगा। यहाँ लॉक अनलॉक का बटन, ये आपको सिल्वर ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ चारों पावर विंडो मिल जाएंगी, ये चाइल्ड लॉक के लिए। डोर एक्सेस हैंडल जो पैसेंजर ट्री माम रेस्ट है, ये सॉफ्ट टच में देखने के लिए मिलेगा। स्पीकर, वाटर वाटर स्पेस, यहाँ इलेक्ट्रिकल या जैसे सीट मिल जाएंगी आपको, लेदरेट सीट्स हैं,
यहाँ पे आप इसे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, स्लाइड रिक्लाइन सारा आपका इलेक्ट्रिकली होगा। दो पैंडल्स मिलेंगे सीवीटी में, ब्रेक और एक्सीलेटर, एक डेड पैंडल मिल जाएगा। यहाँ पे बोनट खोलने के लिए और फ्यूल कैप खोलने के लिए, यहाँ पे ORBM कंट्रोल यूनिट, ये आपको सॉफ्ट टच में मिलेगा एसी वेंट्स के नीचे वाला पार्ट। एसी वेंट्स इसके हमें राउंड मिलेंगे, गोल मिलेंगे और सराउंडिंग सिल्वर ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। स्टीयरिंग पे तो लेदर रैप स्टीयरिंग मिल जाएगा हमें, फ्लैट बॉटम थ्री स्पोक में स्टीयरिंग देखने के लिए मिलेगा, बीच में MG का लोगो। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको यहाँ मिल जाएगी, स्टीयरिंग आपका टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं। बात करेंगे स्टीयरिंग के स्पोक्स पे, यहाँ पे हमें मिल जाते हैं इंफोटेंट कंट्रोल की यूनिट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको वॉल्यूम कम ज्यादा, ट्रैक चेंज करने के लिए, म्यूट के लिए, ये सोर्स चेंज करने के लिए, यहाँ पे फोन उठाने काटने के लिए। यहाँ पे MG का लोगो, सराउंडिंग आपको सिल्वर देखने के लिए मिलेगा। एयरबैग की बात करूं, सेफ्टी फीचर की, टोटल 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं इसमें, ड्राइवर, को ड्राइवर, दो कॉर्निंग और दो कर्टेन। ब्लैक के इंसर्ट यहाँ सिल्वर पार्ट देखने के लिए मिलेगा आपको, ग्लोसी सिल्वर। यहाँ आपके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके कंट्रोल्स मिल जाएंगे और वॉइस कमांड के लिए। वैसे स्टीयरिंग लग काफी अच्छा है, रैप में सॉफ्ट टच है थोड़ा। वहीं यहाँ पे आपका वाइपर कंट्रोल्स मिलेंगे, राइट में जो लीवर है इसमें वाइपर कंट्रोल्स है। यहाँ पे आपका और ऑटो हेडलैम्प कंट्रोल्स, यहाँ पे आपका क्रूज कंट्रोल के बटन दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप अपना कैंसिल, ऑन, रेज्यूम वगैरह सबके फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे से अपना राउंड करके और यहाँ से सेट कर सकते हैं आप अपना क्रूज कंट्रोल। लीवर अलग से दिया हुआ है क्रूज कंट्रोल का। अब आ जाते हैं मीटर पे, तो कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। एक बार मैं ऑफ करके ऑन कर लेता हूँ इसको, जैसे हम ऑन करेंगे कैसे किस तरीके से ऑन होता है ये देखिएगा आप। ब्रेक से पैर हटा लेता हूँ मैं, और यहाँ भाई कुछ इस तरीके से आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन होगा। यहाँ स्पीडोमीटर है, राइट में आपका RPM है और रियर ड्राइव असिस्ट सिस्टम ऑन, अच्छा ये बता रहा है पीछे पार्किंग सेंसर्स वगैरह का। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा बनी हुई आएगी, टाइम डेट भी आ रही है, इंजन नोटिफिकेशंस वगैरह सारी कुछ इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट ये पूरी ही डिजिटल MID दी गई है, जिसमें आपका गाड़ी लॉक अनलॉक के फीचर भी देखने के लिए मिलेंगे, लाइट वगैरह ऑन के, डोर्स के सारे फीचर्स आपको यहाँ नीचे देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले बीच में दी हुई है। और क्रूज कंट्रोल का यहाँ राइट में, बाकी गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफी अट्रैक्टिव दिया हुआ है, काफी प्यारा बना हुआ है। कुछ इस तरह से यहाँ पे डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो डिवाइस मिलता है आपको विकिपीडिया वो मिलेगा, और यहाँ पे ए पिलर्स पे ट्विटर की प्लेसमेंट की हुई है दोनों ए पिलर्स पे। अब वहीं नीचे आ जाएंगे, ये आपका वेदर वगैरह सब कुछ आपको बताता है, जो वेदर वगैरह है, गाड़ी की नोटिफिकेशन वगैरह, बाहर कैसा वेदर है, सब कुछ आपको यहाँ पे विकिपीडिया बताता रहेगा। यहाँ दो AC वेंट, यहाँ भी सराउंडिंग आपको सिल्वर और गार्निश का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा। बीच में हजार लाइट का बटन, कुछ इस तरह से डिस्प्ले मिल जाएगी हमें, तकरीबन 10 से 12 इंच का इंफोटेंट सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है, 360 डिग्री व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें, यहाँ से 360 डिग्री व्यू आपका आ जाएगा गाड़ी में, 3D में, 2D में, दोनों तरीके से देख सकते हैं आप कहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, कहाँ नहीं खड़ी हुई, तो मतलब जैसे ट्रैफिक वगैरह में कहाँ खड़ी है कहाँ नहीं खड़ी है, तो खैर मैं गलत बोल गया, बट आप जैसे ट्रैफिक वगैरह में कहीं फंसे हुए हैं तो वहाँ इजिली आप इसे देख सकते हैं, गाड़ी को इजिली निकाल सकते हैं। बाकी जो फीचर्स है वो सारी शो रहे हैं इसमें, जैसे जियो सावन वगैरह म्यूजिक के लिए, ये भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ वेदर वगैरह भी आ रहा है आपका, यहाँ AC के कंट्रोल भी टच में आ रहे हैं, नेविगेशन यहाँ से ऑन हो जाएगी, इसे प्रेस करेंगे तो आपकी नेविगेशन ऑन हो जाएगी। फिलहाल इसे एक तो कर दिया, बट इसका भी हमारा कुछ काम नहीं है। और वहीं नीचे आएंगे तो यहाँ आपको फिजिकल बटन्स मिलेंगे, कुछ जैसे होम के लिए ये प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, ये फैन की स्पीड के लिए, ये फ्रंट रेयर डिफोगर्स, यहाँ भी आपका फैन की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए था मैं फैन बोल गया, और यहाँ आपका टेम्परेचर के लिए, वेदर टेम्परेचर के लिए। यहाँ 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाएगा आपको, दो USB पॉइंट मिल जाएंगे, वायरलेस चार्जर तो नहीं है इसके अंदर, ये वायरलेस चार्जर नहीं है। और कुछ इस तरह का CVT वेरिएंट में आपको गियर लीवर देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ भी आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे हिल डिसेंट का, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का, और 360 डिग्री व्यू आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ टच स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। यहाँ आपको फिजिकल बटन भी दिया हुआ 360 डिग्री के लिए। अब आ जाएंगे इस साइड, तो गियर लीवर भी काफी प्यारा लग रहा है देखने में, यहाँ थोड़ा कुछ सॉफ्ट टच में ट्रीटमेंट दिया हुआ गियर कंसोल के अंदर, यहाँ कुछ माइक्रोफाइबर जैसा ट्रीटमेंट है। ये आपका इलेक्ट्रिकली हैंड ब्रेक्स, ये ऑटो होल्ड का वाला फीचर है, जो आइडल ऑन ऑफ होता है वो बटन इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है आइडल ऑन ऑफ का। दो आपका कप होल्डर्स, यहाँ आर्मरेस्ट मिल जाएगा,
बेज कलर में, बट स्लाइडेबल नहीं है, नॉर्मल कप आपको आर्मरेस्ट मिलेगा। कुछ इस तरह का ग्लोब बॉक्स मिल जाएगा, ग्लोब बॉक्स आपका कूल्ड है। यहाँ पे इसमें लिखा, ये कुछ ऑन ऑफ का दिया हुआ है, जो पैसेंजर एयर बैग है ये उसका ऑन ऑफ का दिया हुआ है, मैं कूल्ड ग्लोब बॉक्स भूल गया इसको। यहाँ पैसेंजर एयर बैग आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं अपना। अब आ जाएंगे ऊपर, तो यहाँ आपको IRBM मिल जाएंगे, मैनुअल डिमिंग IRBMs मिलेंगे। यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग की नोटिफिकेशंस कुछ इस तरह से, टू रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे सनरूफ कंट्रोल, और ये पार्ट भी आपको सिल्वर में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ सनरूफ कंट्रोल है आपका कर्टन हटाने के लिए, और पैनारोमिक सनरूफ मिल जाता भाई इसके अंदर। ये देखो आप, मैंने कर्टन पे टच करा, और कर्टन को आप बीच में रोक भी सकते हो, और काफी बड़ा सनरूफ दिया हुआ है। इसे यहाँ से प्रेस करके इस तरीके से आपका सनरूफ खुल जाएगा, काफी बड़ा सनरूफ देखने के लिए मिल जाता है हमें इस सेगमेंट पे। देख रहे हो आप कितना बड़ा सनरूफ है। यहाँ पे आपका वेंटी मिरर मिल जाएगा, लाइट नहीं है सनवाइजर में देखने के लिए, और ड्राइवर साइड भी आपको वेंटी मिरर मिल जाएगा, बट लाइट यहाँ भी नहीं है। तो भाई ये तो हो चुका आपका पूरा ड्राइवर फ्रंट। अब चलते हैं पैसेंजर सीट्स पे। जैसे ही हम पैसेंजर डोर ओपन करेंगे, तो डुअल टोन में तो इसका इंटीरियर दिखा चुका मैं पूरा आपको, बाकी यहाँ भी कुछ कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट, डोर ओपनर गार्निश में, ये विंडो डाउन करने के लिए। पैसेंजर ट्री में आर्मरेस्ट भी सॉफ्ट टच में मिलेगा, वाटर बॉटल पे स्पीकर, पीछे तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे आपको, बीच में आर्मरेस्ट। सीट सिंगल सीट है, 60-40 का कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पे आपको दो एसी वेंट, टाइप सी नहीं है, यूएसबी टाइप, दो चार्जिंग पॉइंट मिल जाएंगे। यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स के साथ आपको रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं दोनों साइड देखने के लिए। अब एक बार इसका बूट स्पेस ओपन कर लेते हैं। बूट स्पेस इस तरीके से ओपन होगा, तो कुछ इस तरह का बूट स्पेस मिल जाता है। मैं बूट स्पेस इसका स्क्रीन पे डाल रहा हूँ। लाइट मिल जाती है बूट स्पेस में आपको। यहाँ पे आपका स्पेयर व्हील विद टूल्स, पार्सल ट्रे मिल जाती है एडजस्टेबल। आपका MG एस्टर का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस मैं डिस्प्ले पे डाल रहा हूँ। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बताना, वीडियो कैसी लगी कमेंट बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।